कानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। जी हां, मंगेश यादव की हत्या हुई है, अखिलेश यादव ने कहा, और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में लूट मची हुई है, यूपी में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं। अखिलेश यादव की ओर से ये सवाल कई खड़े किए गए हैं। पुलिस आए और मंगेश को उठा ले गई, खोज खोज कर एनकाउंटर हो रहा है। तो अखिलेश यादव की ओर से मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। आपको बताते चले कि अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लूट मची हुई है, मंगेश यादव की हत्या हुई है, ये बात अखिलेश यादव की ओर से कही गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लूट मची हुई है, यूपी में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं। जहां ये सरकार लूट कर रही है वहीं एनकाउंटर कर करके डराना चाहती है, और केवल बदनाम करने के लिए जानबूझ करके ढूंढ ढूंढ करके कि कौन है, किसको एनकाउंटर किया जाए, वो भी अधिकारी बैठ करके रणनीति बनाते हैं। सोचो, जो रात भर बैठ करके रणनीति बनाएंगे उनसे क्या उम्मीद करोगे न्याय की आप। तो देखिए, मंगेश यादव को लेकर अखिलेश यादव ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मंगेश यादव की हत्या हुई है। आप देखिए, इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत भी लगातार हो रही है, पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं, और अब अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सपा से प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी जी जुड़ चुके हैं। भास्कर जी, मंगेश यादव की हत्या हुई है, अखिलेश यादव ने यह कहा है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यह हत्या हुई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, लूट और झूठ की सरकार चल रही है। मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी एक 16 अभियुक्तों में से दो लोगों के नाम लेते हैं और 14 को का नाम नहीं लेते, क्योंकि दो जो लोग थे वो एक मुसलमान था, एक यादव था। क्योंकि जो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी करते हैं, उनकी राजनीति को सूट करता है वो मुस्लिमों को और यादवों को बदनाम करें। और आज जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का माहौल हम देख पा रहे हैं कि पुलिस के लोग कूद रहे हैं घर में, और क्या वो लूट का माल को छुपाने के लिए रेड पड़ रही है, पुलिस वाले पुलिस पे रेड पड़ रहे हैं। और ये जो आज हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, ये निश्चित तौर पर कहना चाहते हैं ये केवल हत्या का मामला है। और जिस प्रकार ये देखा गया कि पुलिस ने मिलके जिनका काम था कि इस प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करें, वो एक साजिश करने में लगे रहते हैं और वो उस प्रकार उसको अंजाम देने का काम करते हैं कि वो हत्या दिखाई दे, लेकिन हत्या को भी छुपाया। भुवन भास्कर जोशी जी, सवाल तो आपसे यहाँ पर यह भी पूछा जा रहा है कि सियासत तो आप भी यहाँ पर कर रही हैं, यादव है इसलिए आप सियासत कर रहे हैं कि हाँ, जाति को देखकर टारगेट किया जा रहा है, एनकाउंटर किया गया, हत्या की गई, सियासत का आरोप तो आप पर भी लग रहा है? देखिए, आप 7.5 साल के योगी सरकार के आंकड़ों को उठा के देखिएगा, आप देखेंगे एनकाउंटर सबसे ज्यादा अगर हुए हैं तो पीडीए समाज के हुए हैं, और पीडीए समाज जो है अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े तो सरकार के हैं कि एनकाउंटर की आप लिस्ट सूची बना लीजिए, आप देख लीजिए उसमें पीडीए। ये सरकार पीडीए विरोधी, और 2024 में जब से परिणाम पीडीए विरोधी कैसे? भास्कर जी, अपराधियों को उनकी सजा, उनको सजा दी जा रही है, एनकाउंटर हुआ है, इसमें कैसे आप कह रहे हैं? मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं, जिसके तहत आपने मुझे आज डिबेट के लिए बुलाया है, मैं आपको इसमें जो मुख्य अभियुक्त था एक सामान्य जाति का व्यक्ति था, वो वहां पुलिस को हैंडओवर हो जाता है, वहां पर वो समर्पण कर देता है, लेकिन मारा कौन जाता है? जो सहअभियुक्त था, वो किस लिए मारा जाता है कि वो एक यादव जाति का व्यक्ति था। तो सरकार जो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहा है उसका असर आप प्रशासन में भी दिखाई दे रहा है, और ये टारगेटेड है मुस्लिम यादव, ये 7.5 साल की योगी सरकार में टारगेटेड है। इनको अगर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो इन पे हो रही है, एनकाउंटर हो रहे हैं तो पीडीए समाज पे हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो आंकड़े हैं वो चीख चीख के बता रहे हैं
कि सरकार की नीति और नियत दोनों ठीक नहीं है। भुवन भास्कर जोशी जी, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है तब भी परेशानी है, अगर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती है तब भी सरकार पर सवाल आप ही खड़े करते हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है, अपराधी फल फूल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आए दिन डकैती चोरी हो रही है, आए दिन छेड़छाड़ हो रही है, लेकिन अब जब कार्रवाई हो रही है फिर सियासत की जरूरत क्यों आन पड़ी भास्कर जी? अपराधियों पर किस तरह की कार्रवाई हुई है ये प्रदेश ने देखने का काम करा है, किस तरह आइस पाइस का खेल कहला गया योगी सरकार के द्वारा, जब गृह राज्य मंत्री का बेटा टोनी का बेटा जब किसानों की हत्या कर देता है, नोटिस पे नोटिस चश्मा करने पड़े लेकिन वो गिरफ्तारी में नहीं आया, जब कोर्ट के आदेश के बाद उसको गिरफ्तार करने का काम करा गया, ये तीन लड़के जो ठीक है। जोशी जी आपके पास मैं लौटती हूँ, हमारे साथ सांसद जी अतुल गर्ग जुड़ चुके हैं। अतुल जी, सवाल अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी ये उठा रही है कि जो मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ है वो एनकाउंटर नहीं हत्या है, यादवों और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और एनकाउंटर किया जा रहा है। अब बड़े आश्चर्य की बात ये है कि कोई भी अगर गुंडा मवाली या आतंक जो फैला रखा होता है जैसे समाज के अंदर वो मरता है तो सबसे ज्यादा दुख इन लोगों को क्यों होता है, मेरी समस्या बाहर है। और जिस पे हत्याओं के मुकदमे चल रहे हो जिससे लोग परेशान हो तो वहां की जनता से भी पूछना चाहिए, और वो पुलिस पे गोली चलाए और पुलिस उसकी गोली खा करके हाथ खड़े कर दे, क्या ये अच्छी बात है? आज गुंडागर्दी क्यों खत्म हो गई है पूरे प्रदेश से? इसलिए तो हुई है कि पुलिस को पूरी शक्ति है कि यदि कोई उसकी तरफ आंख उठा के देखे तो वो भी उस पर कार्रवाई करे। और ये जो जाति वाली जो बात है इनके दिमाग में घुस गई है, इन्हें लगता है कि जातिवाद की बात करके इन्हें लोकसभा में कुछ सीटें फालतू मिल गई हैं, तो इसी से ही ये इसे अपना राजनीतिक आधार बनाना चाहते हैं जाति के हिसाब से। लेकिन अब सीधी लड़ाई राजनीतिक जो है वो राष्ट्रवादी शक्तियों में और जातिवाद के नाम पर चुनाव लड़ने वालों के बीच में है, और जीत राष्ट्रवाद की होगी, भारत माता की होगी। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जोशी जी, अतुल जी कह रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर जातिवाद की राजनीति हो रही है, आपको दर्द होता है जब अपराधियों पर कार्रवाई होती है? जोशी जी, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ और कानून का विद्यार्थी होने के कारण मैं अतुल गर्ग से पूछना चाहता हूँ कि किस प्रकार 80-20 की बात कह के आप चुनाव गए थे? क्या आपने संविधान का अध्ययन करा है? एक चुना हुआ मुख्यमंत्री किस प्रकार 80-20 की बात कर सकता है इस देश में, जबकि वो क्या, और आपका नारा जो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास है वो केवल कागजों में दिखाई देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो 3 BHU के लड़के रेप करते हैं उनके यहाँ बुलडोजर का तेल खत्म हो गया था योगी सरकार का, या मैं पूछना चाहता हूँ बुलडोजर खराब हो गया था? लेकिन निश्चित तौर पे वो 3 रेप करके मध्य प्रदेश आराम से योगी सरकार उनको प्रचार के लिए जाने देती है और दो महीने बाद वो वापस आते हैं, तब उन पे कार्रवाई होती है। और आज ढीली पैरवी के कारण योगी सरकार ने 3 में से 2 लोग जमानत पे आ गए और उनको सम्मानित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, बृजभूषण सिंह लेकर सैगर से लेकर चिमियानंद से लेकर निश्चित BHU के लड़के तक, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है जो लोगों को पता है ये किस तरह अपने लोगों को बचा रहे हैं और अपने विपक्षियों को और एक जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों को इन्होंने टारगेट कर रखा है और बहुत अच्छा जवाब दिया है यहाँ की जनता ने। और माननीय अतुल गर्ग जी सब सांसद जी हैं, उन्हें भी जो पहले के सांसद थे वो कितने वोट से जीते, अतुल गर्ग कितने वोट से जीते ये भी प्रदेश को पता है, ये भी देश को पता है। तो निश्चित तौर पे जो इनका जो आंकड़ा कम हुआ है या हारे हैं, माननीय प्रधानमंत्री खुद बड़ी मुश्किल से जीत पाए, तो निश्चित तौर पे तिलमिलाए हुए हैं मोदी जी, अमित शाह, योगी जी, संगठन मंत्री सब इनके तिलमिलाए हुए, क्योंकि पीडीए समाज माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एकजुट हो चुका है और इनको आईना दिखाने का काम कर रहा है, इसलिए उन पर प्रहार हो रहा है। ठीक है, अतुल जी का ये है कि अपने लोगों को बचाया जा रहा है और कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए महंगी, मैं तो इतना जानता हूँ कि जब अतीक अहमद मरते हैं किसी भी कारण से मरे जी ठीक है, तो इन्हें बड़ा दुख होता है। जब विकास दुबे की मृत्यु हो जाती है, उन्हें जिसने जिसके द्वारा 7 पुलिस वाले मारे गए थे और जिसमें यादव भी थे, ब्राह्मण भी थे, सभी लोग थे, तब इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। और जब कोई भू माफिया की, गुंडे की, आतंक की हत्या होती है तब ये बहुत दुख मनाते हैं ठीक है,
और उसमें भी जातियों का हिसाब ढूंढते हैं जी। तो इनकी जो सोच है वो राष्ट्र के हिसाब से नहीं है, ये केवल और केवल, अभी भी जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आपको वोट कम मिले उनको ज्यादा मिले, तो इस बात से ये खुश हो जाते हैं जी। अगर जनरल वीके सिंह साहब को मेरे से 50,000 वोट ज्यादा मिला, ठीक है, तो ये अच्छी बात है, वो जनरल थे और लेकिन इन्हें इस बात की खुशी है कि हमें, मेरे को कम मिले उन्हें ज्यादा मिले। तो ये हमेशा ये कहना क्या चाहते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है ये। मैं इतना जो कहता हूं कि जब भी कोई गैर कानूनी मरता है इन्हें उसके साथ हमदर्दी होती है, ये हमदर्दी नहीं होती है कि जिन लोगों ने तेजाब पर जला करके लोगों को मारा, जिन्होंने घरों में घुस घुस के मारा, जिन्होंने कब्जे करे, तो उनके द्वारा किए हुए अत्याचार इन्हें याद नहीं रहते हैं। और अपने समय पर उन पर ये कार्रवाई कानूनी क्यों नहीं कर पाए ये भी इन्हें याद नहीं है, ना ये बोल पाते हैं। इनके साथ में मैं तो समझ नहीं आ रहा ये बहस किस बात की कर रहे हैं। ये बताए ना कि इन्होंने इनके समय पे जो गुंडागर्दी थी वो थी या नहीं थी, ये बताइए। मुख्तार अंसारी साहब, जो ये साहब कहते हैं ये लोग, मुख्तारी अंसार, अतीक, विकास दुबे या और बहुत सारे लोग के टाइम पर लोग प्रताड़ित थे या नहीं थे, ये मानते हैं या नहीं मानते, उन्होंने अपराध करे या नहीं करे, ये मानते हैं या नहीं मानते, ठीक है। और ये पता नहीं कौन क्यों इतना सोचते हैं, ईश्वर से डरिए, और ये हमें भगवान ने इंसान बनाया है, इंसान के नाते जो बुरा है उसे बुरा कहिए, जो अच्छा है उसे अच्छा कहिए। लेकिन अतुल जी, सवाल यहाँ पर ये भी सरकार को उठाया जाता है कि जो न्याय देने का काम है वो अदालत का है, एनकाउंटर ही क्या आखिरी कदम रह गया है? ये बताइए कि अगर कोई पुलिस वाले पर गोली चलाए तो उसे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाना चाहिए कि साहब मैं पुलिस में वहीं ले जाऊंगा अदालत में? तो ये पुलिस वालों से राइफल ले लेनी चाहिए, बंदूकें ले लेनी चाहिए, डंडा ले लेना चाहिए, पुलिस को बिल्कुल निष्क्रिय कर देना चाहिए। और पुलिस को जो है ये गवाहों को प्रभावित करके ये अदालतों में जीत के आ जाते हैं, चलिए वहां तो हमारा बस नहीं है, लेकिन अगर ये पुलिस पे हमला करेंगे और पुलिस खड़ी रहे ये तो अच्छी बात नहीं। भुवन भास्कर जोशी जी, जवाब दीजिएगा। देखिए, आज योगी सरकार कस्टोडियल डेथ में रिकॉर्ड बना चुकी है, और मैं इनको बोलना चाहता हूँ, अतुल गर्ग जी को ये बोलना चाहता हूँ, अतुल गर्ग जी, ये जो डेथ होती है कॉन्स्टिट्यूशन, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आप बंदी की प्रतिरक्षा नहीं कर सकते, सरकार दावा करती है कि हम इसकी अभिरक्षा करेंगे, सरकार का फेलियर है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है अगर आप बंदी की रक्षा नहीं कर सकते। ये एनकाउंटरों का जवाब आपको देना पड़ेगा, निश्चित तौर पे देना पड़ेगा आपको। आज जिस प्रकार आप एक जाति विशेष पे, धर्म विशेष पे हमले करवा रहे हैं, ये परमानेंट नहीं चलने वाला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से। और आप आपके बीच में नहीं बोला था, सॉरी इंटरप्ट मत करिए। बीएचयू के बारे में अतुल गर्ग की जवान नहीं चल पा रही कतई भी, बीएचयू के लड़कों के लिए कुछ नहीं बोल पाएंगे, ब्रिजभूषण के लिए कुछ नहीं बोल पाएंगे, ये अपने सहगर के लिए कुछ नहीं बोल पाएंगे, ये किमियानंद के लिए कुछ नहीं बोल पाएंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जितने क्रिमिनल हैं सारे सबसे ज्यादा मुकदमे वाले एमपी, एमएलए, मंत्री ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में। हाँ चलिए ठीक है, भुवन भास्कर जोशी जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, अतुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर से बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में, सुल्तानपुर डकैती प्रकरण पर बोले डीजीपी प्रशांत कुमार, सुल्तानपुर एनकाउंटर पर किया ऑपरेशन।